हेलो फ्रेंड्स, मनोरमा किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल ये बैंगन का भरता। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या लगता है दिखाते हैं आपको। तो बैंगन के भरता बनाने के लिए देखिए, मैंने बैंगन लिया है, ऐसे नरम लीजिएगा, एकदम उस बीज वाला नहीं मिलता है ताज़ा। ये देखिए, ऐसे दबा के देखेंगे तो ताज़ा वो होगा बैंगन, बीज वाला नहीं होगा। तो इस टाइप का आप बैंगन लीजिए। तो हम बैंगन को रोस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हम गैस जला लेंगे। अब बैंगन को रोस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाकू से छेद कर देंगे, क्योंकि बैंगन को रोस्ट करो तो ये फटता है। इसलिए ऐसे कभी भी आप बैंगन रोस्ट करें तो इसमें छेद लगा लें, तब आप आराम से बैंगन को रोस्ट करिए। तो हम ऐसे गैस पर रख के तलेंगे, रोस्ट करेंगे ऐसे। इसको देखिए ऐसे रख दिए, इधर हम दूसरा भी रख देते हैं, इसको भी मैंने छेद कर लिया है। तो ऐसे अलट पलट के इसको रोस्ट करके हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम ना ऐसे छिलका हटा लेंगे, थोड़ा गर्म है ये, ठंडा हो जाए, इसे आराम से ऐसे हटा लेंगे। देखिए ऐसे हटा के इसको हम, और ये देखिए ये ग्रेवी बनाने की, इसको हम ठंडा हो जाता है तो छिल के दिखाते हैं आपको। ऐसे आराम से हटा लेते हैं, गर्म है अभी। ये देखिए गरम हो तो ऐसे भी आराम से निकल जाएगा। ये देखिए कैसे आराम से छिलक निकल जा रहा है इसका। ये देखिए गरम भी है, आराम से लग भी नहीं रहा हाथ में। चम्मच से इसको ऐसे अच्छे से छुड़ा लीजिए। ये देखिए मैंने छील लिया, अब इसको हम ऐसे ये डंठल भी निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे डंठल निकाल के हटा देंगे। ऐसे निकाल के इसको देख लेंगे। ये देखिए बैंगन एकदम अच्छा है, अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है। अब इसको हम साइड में रख के, साइड में रख देते हैं। ये देखिए ग्रेवी बनाने के हमने लिया है ये दो टमाटर। इसे अच्छे से ग्रेवी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये थोड़ा मटर लिया है, और हरी मिर्च लिया है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है, और ये तीन टमाटर लिया है, दो प्याज लिया है। अच्छे से हमने सब इसको काट के धो लिया है। और टमाटर को काट लेंगे, प्याज को काट लेंगे, हरी मिर्च बारीक बारीक काटेंगे, अदरक भी बारीक काट लेंगे, लहसुन को पीसना है। और धनिया ज़रूर डालिए, डंठल डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्टी आता है। ये देखिए मैंने इसे भी धो के साफ़ कर लिया है, और इसको भी बारीक बारीक काटेंगे। देखिए मैंने गैस जला लिया और कढ़ाई भी रख दिए हैं। अब ये कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही बनाइए भरता, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो हम ये सरसों का तेल डाल दिए, थोड़ा धुआं आने तक गर्म हो जाए तेल। फिर ये देखिए गर्म हो जाए इतना कि ये कड़वापन निकल जाए। ये देखिए थोड़ा धुआं भी आ जाए, तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हींग डाल दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अदरक डालेंगे, अदरक डाल देंगे, ये हरी मिर्च, और वो जो कूट के डाले थे लहसुन पीस के, ये सब ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको भूनेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे भून के खुशबू आ गया। अब इसमें हम प्याज जो बारीक काटे थे ये डाल देंगे। ये देखिए प्याज डाल देंगे जो बारीक काटे थे ऐसे, इसको भी चला लेते हैं। इसको चला के गोल्डन ब्राउन हो जाए, देखिए इसको ऐसे हम चलाते रहेंगे कि प्याज जले नहीं, गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसी समय हम ये मटर डाल देंगे, थोड़ा सा मटर भुना जाए। देखिए प्याज के साथ भुन जाएगा मटर तो अच्छा लगेगा। देखिए बस थोड़ा सा इसे भून के
देखिए ऐसे। अब फिर हम इसमें टमाटर जो बारीक काटे थे ये भी डाल देंगे। कम ज़्यादा आप टमाटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ही पड़ता है टमाटर तो अच्छा आता है फ्लेवर। ये देखिए तो हम अच्छे तरीके से चलाएंगे कि कच्चापन निकल जाए, सब प्याज टमाटर सब अच्छे से भून जाए। इसको हम फैला के रख दिए। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इससे टमाटर गल जाएगा, प्याज भी गल जाएगा। अब ये मैंने आधी चम्मच लिया है, एक चम्मच के करीब डाला, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, नमक को मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनिए, इसका प्याज लहसुन अदरक सब कुछ भुना लें, कच्चापन निकल जाए। देखिए ऐसे, देखिए टमाटर मेरा गल गया थोड़ा। अब इसमें हम थोड़े कुछ मसाले डालेंगे। मसाले में मैंने लिया ये कलर मिर्च आधी चम्मच, कलर मिर्च ले लिया, और इसमें हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर अपने तीखे के अनुसार डालिए, मैंने आधी चम्मच लिया है, और ये गरम मसाला आधी चम्मच, ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा डालिए, मैंने आधी चम्मच से भी कम लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मसाले को अच्छे से भूनिए। ये देखिए कलर, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। और ये हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये जो हरी मिर्च और ये लहसुन पीसे थे उसका पानी मैंने ये रखा है, तो इसको भी अभी डाल देंगे। और इसको हम करेंगे मिक्स ऐसे। ये देखिए अभी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि बस, ये देखिए ऐसे मिक्स कर देंगे। और इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ढक के पकाएंगे मसाला। मसाला हम देख लेते हैं, ये देखिए इसको हम पका लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से चला देंगे, इसको चला के ऐसे फ्लेम हम हाई किए हैं, अभी हम लो करके इसमें हम और आप ये धनिया पत्ता डालेंगे, आधा डालेंगे, आधा बैंगन डाल लेंगे जब उबला हुआ भुना हुआ, तब हम डालेंगे इसको। डंडल सहित ये काटिए, इसमें भी फ्लेवर आता है धनिया में। कितने लोग होते हैं कि डंडल फेंक देते हैं, डंडल फेंकना नहीं चाहिए धनिया पत्ता का, डंडल में ही स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको भी ऐसे मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा ढक देंगे। देख लेते हैं सब्जी, ये मसाला ऐसे इसको मिक्स कर लिए, ये पक गया मसाला। अब इसी समय हम ये बैंगन को जो बॉयल किए थे, बैंगन को बॉयल किए थे, इसको हम ऐसे मसल देंगे, ऐसे अच्छे से ऐसे मसल के। ये देखिए पानी जो है बैंगन का ये भी डाल देंगे, इसे फेंकेंगे नहीं, इसी में डालेंगे अच्छे तरीके से मसल के। इसको हम मसाले में ही डालेंगे। ये देखिए ये हो गया चारों तरफ से। ये देखिए तेल छोड़ दिया, तब हम इसी समय बैंगन डालेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए ऐसे फैला देंगे मसाला, और इसमें हम ये जो बैंगन बॉयल किए थे भुने थे उसको भी डाल देंगे। ऐसे डाल के इसको फिर इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे कि बैंगन मसाला सब कुछ मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके से चला देंगे, ये देखिए ऐसे हाई फ्लेम कर देंगे कि बैंगन भुन जाए इसमें भी मसाला में। और फिर हम ये हरा धनिया भी डाल देंगे इसी समय, ऐसे फिर इसको मिक्स करेंगे, ऐसे ऐसे मिक्स कर दिए। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ये जो बैंगन हम रखे थे उसी को ऐसे डाल देंगे, उसी का पानी इसमें। मैंने ये छोटी कटोरी से एक कटोरी पानी लिया है, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे इसको अच्छे तरीके से।
मिक्स करके फिर हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए इसको। ये देखिए मैंने परोस लिया है गर्मा गर्म भरता। अगर भरते की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।